तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को उस डेविल जैसे दिखने वाले आदमी के घर का वही पॉन्ड दिखाया जाता है जिसके अंदर से वो डेविल निकला था, यानी कि वो जो डीमन जिसने सिंचन के ऊपर पिछले एपिसोड में अटैक किया था। एंड देन हम सभी लोगों को वो डेविल जैसे दिखने वाला आदमी खुद दिखाया जाता है एंड वो कुछ डम्पलिंग्स खा रहा होता है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके एक के बाद एक सारे के सारे जो भी वो अपने तरफ से लोग भेज रहा था वो फेल हो रहे थे हाजुमी की चांद को पकड़ने के लिए। एंड गाइस ये सुनते ही उसके पीछे एक बंदूक लेके एक आदमी आ जाता है जो कि कुछ कुछ एक निंजा की तरह लग रहा होता है, बट उसके हाथ में एक बंदूक होती है एंड वो उस बंदूक को अपने पीछे पीठ पर रखता है एंड उसके सामने सर झुकाता है और कहता है, सर आप मेरे को बोलें, मैं ज़रूर आपका काम करूँगा। एंड देन उसके बाद उस आदमी को गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम मत जाओ, मैं किसी को नहीं चाहता कि कोई भी उसको पकड़ने जाए, मैं खुद ही कुछ ना कुछ करूँगा। एंड ऐसा करते हुए वो इशारा देता है एक तरफ जिसकी वजह से उसके हाथ से उसके डम्पलिंग छूट जाते हैं एंड उन डम्पलिंग्स को वो जो आदमी होता है वो शूट कर देता है और वो बोलता है, मेरा निशाना कभी भी नहीं चूकता, जब मैं हूँ तो आप क्यों जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो ऐसा वो आदमी करता है तो फिर उस डेविल जैसे आदमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है एंड उस लड़ाई में वो बंदूक वाला आदमी जीत जाता है एंड डेविल वाला आदमी जो होता है वो बोल देता है कि जाओ तुम भी ट्राई करके देख लो। एंड देन हम सब लोगों को दिखाया जाता है अपने मित्सुई और हिरोशी की साइड क्या हो रहा है एंड वो सभी लोग सुबह सुबह फूलों के बाग में जाकर फूल का नेक्टर पी रहे होते हैं ताकि वो अपना पेट कैसे भी करके भर सकें क्योंकि उनके पास कहीं पर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड गाइस देन उसके बाद सिंचन कहता है कि मेरे को बड़े टाइम से ढंग का खाना नहीं मिला है, मेरे को ढंग का खाना चाहिए नहीं तो मेरे को वीकनेस आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा एंड उसको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही होती है। एंड देन उसके बाद हाजुमी चांद उन सभी लोगों से सॉरी मांगती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना पर्स खो दिया एंड हम सभी लोग अब ढंग से खाना भी नहीं खा सकते। एंड थोड़ी देर में हिरोशी का भी पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है एंड उसको भी अपने पेट में थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है एंड वो कहता है कि उसको भी बड़े टाइम से अच्छा खाना नहीं मिला है। एंड देन उसके बाद मिर्ची कहती है कि ना हम अपनी पुरानी वाली टेक्निक यूज करें पैसे कमाने की। एंड देन उसके बाद हिरोशी कहता है, कौन सी टेक्निक। एंड एकदम से हिरोशी कहता है कि उसको याद आ चुका है, तुम कौन सी टेक्निक की बात कर रही हो। एंड हिरोशी बोलता है कि वो जो टेक्निक है उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। एंड देन उसके बाद मिर्ची कहती है, मेहनत का फल ही मीठा होता है। एंड देन उसके बाद हम सभी लोग को हाजुमी चांद का अजीब सा चेहरा दिखाया जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लोग किस टेक्निक की बात कर रहे हैं। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि वहीं से पास से रोड पे से एक आदमी जा रहा होता है तो उसके सामने जो मिर्ची होती है वो आ जाती है और अपनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी जगह बना लेती है। एंड उसको देखते ही वो आदमी स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है ये कहीं कोई डाकू तो नहीं है। एंड देन उसके बाद मिर्ची उस आदमी से बोलती है, आप वो ऊपर मंदिर देख रहे हैं, आप वहीं जाना चाहते हैं ना, अगर आपको वहाँ तक जाना है तो फिर आप पैदल तो बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है एंड उसके लिए आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो सवारी चाहिए ही। एंड देन उसके बाद वो आदमी कहता है, अच्छा तो तुम सवारी वाले हो, हाँ तो मैं तुम्हारी सवारी में ज़रूर जाना चाहूँगा, ऐसा वो आदमी उस मिर्ची से बोलता है। एंड देन उसके बाद मिर्ची इशारा देती है हिरोशी को एंड हिरोशी अपनी कार्ट को लेकर आ जाता है एंड हिरोशी कहता है, आप इस कार्ट के ऊपर बैठ के जाएंगे, मैं आपको धक्का देते हुए ऊपर लेके जाऊँगा। एंड देन उसके बाद वो आदमी कहता है, ये कैसी शर्मिंदगी सी बात कर रहे हो, इतनी छोटी घाट में मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बैठ सकता हूँ, साथ में तुम्हारे बच्चे भी हैं तो इतना ज़्यादा वजन ये आदमी कैसे उठा पाएगा, इतनी बड़ी चढ़ाई है इतनी देर तक ये आदमी कैसे इसका वजन उठा सकता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी है, किसी को चोट भी लग सकती है, अच्छा होगा अगर तुम इस काम को अभी रोक दो, ऐसे बहुत सारे लोगों को चोट लग सकती है। एंड देन उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है वो बंदूक वाला आदमी भी वहीं पे ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ उन सभी लोगों को देख रहा होता है। एंड देन वो ज़मीन में से निकलता है और बोलता है कि फाइनली मैंने अपने टारगेट को ढूंढ लिया है एंड मैं जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद वो आदमी अपनी पीछे रखी हुई बंदूक को निकाल लेता है एंड उसको हिरोशी और मिर्ची की तरफ को तान देता है। एंड गाइस तब हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि हिरोशी और मिर्ची की तरफ एक बूढ़ी आंटी आती है एंड वो कहती हैं कि वो मंदिर की चढ़ाई करना चाहती हैं एंड वो तुम्हारी कार्ट में बैठने के लिए मंजूर है, वो बिल्कुल तुम्हारी कार्ट में जाएंगी बट उनके साथ में एक लामा भी होगा। एंड देन जो हिरोशी होता है वो थोड़ा बहुत इससे डर जाता है। एंड गाइस तभी हम सब बिल्लू को दिखाया जाता है हाजुमी चांद थोड़ा सा आगे भी बढ़ती है। एंड गाइस तभी वो उस कार्ट को बहुत ही ज़ोर से धक्का दे देती है क्योंकि वो गिर जाती है
एंड इसी वजह से हिरोशी नीचे गिर जाता है। एंड वो गोली वाला आदमी अपनी बंदूक को हिरोशी की तरफ ताने बैठा था, तो फिर उसकी जो गोली होती है वो हिरोशी को नहीं लगती क्योंकि हिरोशी नीचे गिर चुका होता है एंड वो उस गोली को डॉज कर जाता है। एंड देन हम सभी को दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उस लामा को लेकर उन आंटी के साथ में ऊपर की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ जो हिरोशी होता है वो स्टार्टिंग में उस लामा और आंटी को ऊपर की तरफ को धक्का दे रहा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा होता है क्योंकि सच में जो चढ़ाई वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड जो वज़न है सवारी का वो भी बहुत ही ज़्यादा है। एंड देन वो जो आदमी होता है बंदूक वाला वो भी उन सभी लोगों के पीछे पीछे आ जाता है एंड ताकि उसको कोई बड़ी देख ना सके, तो फिर वो एक पेड़ के अंदर छुप जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे निंजास करते हैं। वो एक क्लॉथ लगा लेते हैं ताकि वो अपने पीछे वाले ऑब्जेक्ट के साथ कैमोफ्लेज कर सके। उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, एक पेड़ के जैसे दिखने वाला उसने क्लॉथ लगा लिया जिससे कि किसी को ये दिखाई नहीं दिया कि वो पेड़ पर ही छुपा हुआ है। एंड देन वो उस क्लॉथ को हटाता है एंड उनके ऊपर अपना निशाना लगाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है हिरोशी की मदद करने के लिए जो हमारे हाथ में जान होती है वो भी लग जाती है एक रस्सी के थ्रू, वो भी उस चीज़ को ऊपर उठाने लग जाती है। बट गए सभी हाजुमी चांद के ऊपर एक बी आके बैठ जाती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, इसी वजह से उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है एंड सारा का सारा वेट हिरोशी के ऊपर आने वाला होता है। बट तभी एकदम से मिर्ची पीछे आती है एंड उस सबको उठा लेती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो जो आदमी होता है वो अपनी गन की जो सारी की सारी नोक होती है उसको बहुत ही ज़्यादा लंबा कर लेता है ताकि वो दूर तक एक अच्छा शॉट मार सके एंड उनको एक ही गोली में गिरा सके। एंड ये जो बंदूक थी उसकी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही थी, वो लोग इसे आराम से स्पॉट भी कर सकते थे बट वो ऐसा नहीं करते। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि हिरोशी का थोड़ा सा पैर फिसलता है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ वो झुक जाता है, इसीलिए जो बंदूक उसने इस बार भी हिरोशी की तरफ टांगी थी उसकी भी जो गोली होती है उससे जो हिरोशी है वो बच जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो मित्सी है वो एकदम से देखती है कि शिनचैन उस लामा को नोटबुक्स खिला रहा है, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ती है एंड इसीलिए वो भी उस गोली से बच जाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी देन शिनचैन के ऊपर उस गोली को तानता है बट जो शिनचैन होता है वो भी नीचे की तरफ को देखता है इसीलिए वो भी बच जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि शिनचैन लामा को बुक्स खिला रहा है तो फिर जो लामा होता है वो बुक्स खाने के लिए नीचे की तरफ को अपना सर झुकाता है जिससे कि उसको भी गोली नहीं लग पाती। एंड देन ये सब कुछ देखने के बाद वो आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड वो रोने भी लग जाता है क्योंकि उसका निशाना कभी नहीं चूकता बट आज ऐसा कुछ हो रहा था जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो जो पूरी की पूरी रोप होती है वो टूट जाती है एंड वो गाड़ी नीचे की तरफ को चले जाती है। एंड हिरोशी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वैसे तो शिनचैन और हिमावारी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड वो जैसे ही गिरने वाले होते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ से ब्रेक लगा लेते हैं। एंड देन उसके बाद वो आदमी कहता है कि ये बहुत ही अच्छा चांस है उसके लिए, तो फिर वो अपनी बंदूक को शिनचैन की तरफ को तान देता है बट जो शिनचैन होता है वो तभी कहता है डैड मैं अपने फाट की मदद से ऊपर तक आऊँगा। एंड देन शिनचैन फाट कर देता है एंड उसका जो फाट होता है वो उस आदमी के बंदूक में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अंदर तक जाने लग जाता है एंड जो शिनचैन की काट होती है वो भी आगे बढ़ती है। बट गाइस जो फाट उसकी बंदूक में गया था उसकी बंदूक को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर देती है एंड वो आदमी एक पटाखे की तरह ऊपर की तरफ को उछल जाता है एंड सब कुछ वहाँ पर जल जाता है। एंड देन वो सभी लोग उन आंटी को ऊपर तक मंदिर तक पहुँचा देते हैं एंड वो आंटी उन सभी लोग को ढेर सारे पैसे देती हैं एंड इन सारे पैसों की मदद से वो सभी लोग अपना रात का डिनर करते हैं। एंड देन गाइस हिरोशी खाना खाने के बाद बस बाहर टहलने निकला होता है एंड उसे एक बोर्ड दिखाई देता है एंड उस बोर्ड के ऊपर जो लिखा होता है उसको पढ़ते ही हिरोशी चौंक जाता है एंड वहाँ पे लिखा होता है हाजुमी चान गुमशुदा है, ये कहीं भी आपको मिले तो ज़रूर बताएं। एंड गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।